गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट के अंदर यूग्लिनॉइड्स को स्टडी करेंगे। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं और जिसमें से मेन स्टडी जो है वो यूग्लिना की है, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स का जो डिवीजन है वो है यूग्लिनो फाइटा और जो क्लास है इसकी वो है यूग्लिनो फाइसी, ठीक है। और इसके अंदर लगभग 800 स्पीसीज हैं। इस यूग्लिनॉइड्स के अंदर लगभग 800 स्पीसीज होते हैं, अबाउट 800 स्पीसीज, ठीक है। अब हमें इसके जनरल फीचर पढ़ने हैं। हम देखते हैं यूग्लिनॉइड्स के जनरल करेक्टरिस्टिक या जनरल फीचर्स क्या हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की, तो जो हैबिटेट है इनका वो है फ्रेश वाटर। मेनली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर भी स्टैग्नेंट हो, एक जगह खड़ा हुआ पानी हो, बह ना रहा हो, ठीक है, ठीक है। जनरल फीचर में सबसे पहले हम हैबिटेट को देखेंगे, और हैबिटेट जो इनका है वह है फ्रेश वाटर। मेनली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लिव इन फ्रेश वाटर, मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर भी कैसा हो, स्टैग्नेंट हो, फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो पानी एक जगह इकट्ठा हो, फ्लो ना कर रहा हो, उस पानी के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यूनिसेलुलर फ्लैजलेट प्रोटिस्ट है। यूनिसेलुलर तो ये सारे ही हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट मतलब फ्लैजिला मिलेगा इनके अंदर, और यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्ट सारे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनका, बॉडी कैसी है इनकी। बॉडी जो है इसमें ऑर्गेनिज्म की वो स्पिंडल शेप्ड है, बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड है, जिसमें जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा ब्लंट है, और जो पोस्टीरियर एंड है वो पॉइंटेड है, एंटीरियर एंड इज ब्लंट एंड पोस्टीरियर एंड इज पॉइंटेड, ठीक है। पोस्टीरियर एंड होगा वो पॉइंटेड होगा, वो डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंड जो है वो पॉइंटेड है, कौन सा ब्लंट है, ठीक है। दूसरा जो मेन करेक्टरिस्टिक है जो हमें याद रखना है इनका, वो है सेल वॉल इज एब्सेंट। इन यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह पर वहाँ एक और कवरिंग होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल की जगह पर बॉडी जो है वो कवर है पेलिकल से, बॉडी इज कवर्ड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल पेलिकल, थिन एंड फ्लेक्सिबल पेलिकल, ठीक है। बॉडी जो है वो एक थिन और फ्लेक्सिबल पेलिकल से कवर है, और पेलिकल को ही हम दूसरा नाम देते हैं पेरिप्लास्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, पेरिप्लास्ट। और ये पेरिप्लास्ट जो है, या जो ये पेलिकल जो है वो प्रोटीन की बने, मतलब प्रोटीनियस इन नेचर है, मेन पार्ट जो इसमें है वो प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस इन नेचर,
प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन नेशियस इन नेचर। ठीक है, तो हम पेलिकल का जो कंपोजिशन है वो देखते हैं कि पेलिकल किस किस चीज से मिलके बनी है। पेलिकल, पेलिकल की जो कंपोजिशन है कंपोजिशन के अंदर इसमें फाइब्रस इलास्टिक प्रोटीन है, फाइब्रस इलास्टिक प्रोटीन। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है लिपिड है और कुछ अमाउंट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है बेटा इसमें वो 80% है, प्रोटीन लगभग 80% है और बाकी जो 20% है उसके अंदर ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये पेलिकल जो है वो इसकी शेप को मेंटेन रखने का काम करती है। पेलिकल मेंटेन ए डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, युग्लिना की शेप को मेंटेन रखने में ये हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद युग्लिना जो है या युग्लिनॉइड जो है उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। युग्लिनॉइड्स हैव टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट। एक बड़ा फ्लैजिला होता है और एक छोटा फ्लैजिला होता है इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली में जो एक फ्लैजिला है छोटा जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एक्चुअली वन फ्लैजिला इज रिड्यूस और आपको बाहर जो निकला हुआ दिखेगा वो एक ही फ्लैजिला दिखेगा उसमें। एक्चुअली वन फ्लैजिला इज रिड्यूस्ड, बाहर आपको उसमें एक ही फ्लैजिला दिखेगा, दोनों फ्लैजिला बाहर नहीं दिखेंगे उसमें, जो बड़े वाला है वही आपको दिखेगा, एक है अंदर है वो छोटा सा है और अंदर की साइड में रहता है। इसके अलावा लॉन्गर जो फ्लैजिला है उसमें दो ब्रांचेज होते हैं। ठीक, लॉन्गर फ्लैजिलम हैज टू ब्रांचेज एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ ईच हैविंग बेसल ग्रेन्यूल, एट द बेस ऑफ ईच हैविंग बेसल ग्रेन्यूल्स। जो लॉन्गर फ्लैजिला है उसमें दो ब्रांचेज नज़र आती हैं और दोनों जो ब्रांचेज हैं उसके अपने खुद के बेसल ग्रेन्यूल से डेवलप होती है। ठीक है, उनके पास अपना खुद का बेसल ग्रेन्यूल है, मतलब दोनों जो ये फ्लैजिला हमें दिखता है छोटे बड़े जो हैं वो अलग अलग बेसल ग्रेन्यूल से डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है जहाँ पर ये दो फ्लैजिला यूनियन, जहाँ इन दो फ्लैजिला की यूनियन होती है वहाँ पर एक फोटोसेंसिटिव रीजन होता है जिसको हम पैराफ्लैजिलर बॉडी बोलते हैं। इन द एरिया ऑफ यूनियन ऑफ टू फ्लैजिला ए फोटो सेंसिटिव पैराफ्लैजिलर बॉडी इज प्रेजेंट, पैराफ्लैजिलर बॉडी इज प्रेजेंट। फोटो सेंसिटिव क्यों बोला है? क्योंकि लाइट को सेंस करेगी, लाइट सेंस लाइट। ठीक है, इसलिए इसको फोटो सेंसिटिव पैराफ्लैजिलर बॉडी बोला है।
क्योंकि ये फ्लैजला से, जहाँ दो फ्लैजला यूनियन करते हैं, जहाँ दो फ्लैजला मिलते हैं, इसके छोटे बड़े फ्लैजला, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है और लाइट को ये सेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला पैरा फोटो सेंसिटिव पैराफ्लैजलर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसका डायग्राम बनेगा तब आपको इसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पता चल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा इसका पार्ट है। एक दो पॉइंट लिखने के बाद मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, वो आपको अच्छे से देखना है और उस डायग्राम में इसके सारे पार्ट आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो एपिकल पार्ट है, एपिकल एंड जो है इसका, या जो एंटीरियर एंड है इसका, एपिकल एंड जो है, वहाँ पर एक इन्विजिनेशन होता है जिसके तीन पार्ट होते हैं, मतलब एक छोटा सा स्पेशल रीजन होता है जहाँ पर तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है माउथ, एक होता है कैनाल और गलट या साइटोफेरिंग्स बोलते हैं, और एक होता है उसमें रिजर्वायर। ठीक, एंड ऑफ द सेल, द एपिकल एंड ऑफ द सेल बियर्स एन इन्वेजिनेशन, एक तरह से एक स्पेशल एरिया होता है या एक खांच से आपको नज़र आती है जिसके अंदर तीन डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट रीजन या पार्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट पार्ट। और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं, एक है उसमें माउथ, ठीक है, और एक है उसमें कैनाल या जिसको हम गलट भी बोलेंगे, ठीक है, और एक पार्ट है उसमें रिजर्वायर, रिजर्वायर। ठीक है, माउथ जो है उसका दूसरा नाम साइटोस्टोम भी है, मतलब माउथ को हम वहाँ साइटोस्टोम भी बोल सकते हैं, और जो कैनाल और जो गलट है उसका जो दूसरा नाम है वो है साइटो फेरिंग्स। ठीक है, और एक नीचे का जो थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है वो होता है रिजर्वायर। ठीक है, ये सारे जो पार्ट हैं वो इंजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को इंजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद यूग्लेनॉइड्स के अंदर जहाँ पैराफ्लेजलर बॉडी जो है उसी के लेवल में एक और ऑरेंज रेड कलर का स्पॉट होता है जिसको हम आई स्पॉट और स्टिग्मा बोलते हैं, वो भी लाइट को सेंस करता है, वो भी फोटो सेंसिटिव पार्ट है उसका। ठीक, एन ऑरेंज रेड एक एरिया होता है जिसको हम आई स्पॉट और स्टिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, उसको आई स्पॉट बोलें या स्टिग्मा बोलें, ये ऑरेंज रेड कलर का एक एरिया होता है, और रिजर्वायर की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है पैराफ्लेजलर बॉडी के पैरेलल इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ द रिजर्वायर एट द लेवल ऑफ पैराफ्लेजलर बॉडी, द लेवल ऑफ पैराफ्लेजलर बॉडी। ठीक है, और जो ये स्टिग्मा है ये फोटोसेंसिटिव ऑरेंज रेड पिगमेंट होता है इसके अंदर जिसको हम एस्टाजेंथिन बोलते हैं, और ये लाइट जो है उसके स्टिमुलस को रिसीव करता है, इट रिसीव स्टिमुलस ऑफ लाइट। स्टिग्मा या इसका दूसरा नाम आई स्पॉट। ठीक है, ये आई स्पॉट या जो स्टिग्मा है क्या कंटेन करते हैं,
कंटेन फोटो सेंसिटिव ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर का पिगमेंट होता है, ऑरेंज रेड पिगमेंट, और उस पिगमेंट को हम बोलते हैं एस्टाजेंथिन, उस पिगमेंट को बोलते हैं एस्टाजेंथिन। और ये एस्टाजेंथिन जो है, या हम कहें ये स्टिग्मा आइसपॉड जो है, वो स्टिमुलस लाइट का जो है उसको रिसीव करते हैं, मतलब आइसपॉड के अंदर लाइट के स्टिमुलस को ये पिगमेंट रिसीव करता है, ठीक है। इट रिसीव्स स्टिमुलस ऑफ लाइट, स्टिमुलस ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करता है। अब बेटा मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, और हम उस डायग्राम में इसके जो पार्ट हैं वो सारे देखेंगे, कहाँ पर आई स्पॉट है, वन बाय वन मैं उसको मार्क करूँगा, तो आप वो सारे पार्ट हैं ध्यान से देखेंगे, और फिर उन सभी पार्ट को आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ है और क्या उसका फंक्शन है। ठीक है बेटा, ये जनरल जो शेप है उसकी वो है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इन सभी पार्ट को मार्क करता जाऊंगा, जो जो पार्ट हमने अब तक यहाँ पर पढ़े हैं उन सभी को, और आपको उनको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये जो पार्ट है जो अभी हमने पढ़ा था कि इन्वेजिनेशन है, ये क्या है, एक इन्वेजिनेशन है, और ये जो पार्ट है उसका वो है साइटोस्टॉम, और साइटोस्टॉम यहाँ इसका जो दूसरा नाम है वो है माउथ बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो ये पार्ट है उसका, ये जो एरिया है ये है कैनाल, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये है रिजर्वोयर, ठीक है, ये है रिजर्वोयर। अब हमने कहा था कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये जो है ये तो मेम्ब्रेन है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है इसकी पूरी, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और थिन और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ये जो मैं अलग से लाइन बना रहा हूँ रेड, ये पेलिकल को रिप्रेजेंट करेगी, ये है पेलिकल, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओ इसको अलग से शो करना है, ये है पेलिकल इसकी, ठीक है, ये हो गई पेलिकल यहाँ पर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि एक इसमें ऑरेंज रेड आई स्पॉट होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, वो कहाँ पर होगा, पैराफ्लेजर बॉडी कहाँ है, वो मैं अभी आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर तो बेटा ये दो दो स्पॉट आपको नज़र आएंगे इस डायग्राम में, वो होते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स, या इनको ब्लेफेरो ब्लास्ट भी बोलते हैं, या इनको बेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। यहाँ से एक ये, और एक ये छोटा फ्लैजला यहाँ से निकलेगा, और ये दो फ्लैजला जहाँ पर मीट करते हैं, जहाँ मिलते हैं, वहीं पर एक और एरिया बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पैराफ्लेजिलर बॉडी होगा। ये जो एरिया है वो कौन सा होगा, पैराफ्लेजिलर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये तो एक शॉर्ट रह जाएगा यहाँ फ्लेजिला, और यहाँ से एक जो और फ्लेजिला है
वो निकलता है। ये हो गया इसका मेन फ्लैजिलम, जो काफ़ी बड़ा होता है। छोटे वाला इस अंदर जो इन्वेजिनेशन है उसी के अंदर रहता है, वो बाहर हमें दिखाई नहीं देता है। ये है फ्लैजिलम बड़े वाला इसका, ठीक है। अब इस पैराफ्लैजलर बॉडी के बिल्कुल पैरेलल में, और ये जो मेम्ब्रेन है वो किसके, रिजर्वायर की जो मेम्ब्रेन है वो है, और यहीं पर एक स्पॉट होता है ऑरेंज रेड कलर का। इस स्पॉट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, या हमने इसका दूसरा नाम है वो है आई स्पॉट। स्टिग्मा बोलते हैं इसको, हम आई स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से पार्ट होते हैं युग्लेना के अंदर, ठीक है। पेलिकल हमने पढ़ लिया, कहाँ पर पेलिकल प्रेजेंट होगा, कहाँ पर स्टिग्मा है, कहाँ पर साइटोस्टोम है, पैराफ्लेजल बॉडी कहाँ है, ठीक है। ये जो दो पार्ट मैं आपको बता रहा था, ये क्या होते हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये हैं बेसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जहाँ से दोनों फ्लैजिला अलग अलग निकलते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला यहाँ मिलते हैं, जहाँ इनकी मीटिंग होती है, जहाँ ये यूनियन करते हैं, वहीं पर एक एरिया बन जाता है डार्क, उसको हम पैराफ्लैजलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्ट फ्लैजिला है यहाँ पर, ये क्या होता है, शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, यहीं पर इस रिजर्वायर के नज़दीक ही एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है बेटा इसमें, और ये साथ में जो होंगे ये एसेसरी वैक्यूल्स होंगे। ये छोटे छोटे जो ये दिख रहे हैं ये आपको एसेसरी वैक्यूल हैं, और जो ये मेन है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन का काम करेगा। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब ये इस युग्लेना के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन रखने का काम करेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा होंगे उसे बाहर निकालने का भी काम करेगा। इसके अलावा बेटा यहाँ आपको कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इसकी बॉडी के अंदर, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं पैरामाइलम बॉडीज। ये क्या है, पैरामाइलम बॉडीज, और इन पैरामाइलन बॉडीज के अंदर एक पॉलीसेक्राइड है जिसको हम बोलते हैं पैरामाइलोन, कंटेन पैरामाइलोन, पैरामाइलोन। और ये पैरामाइलोन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। एक तरह से आगे हम इसमें इसके रिजर्व फूड की जब बात करेंगे तो उसमें रिजर्व फूड जो है ये पैरामाइलोन और पॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है। और इसके पार्ट देखते हैं हम क्या क्या होते हैं इसमें, क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर, और यहाँ पर सेंटर के नज़दीक में न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट हो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलें, जिनके अंदर इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो भरा होगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो भरा होगा। ये हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो है ये लाइन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा इसमें ये सब होगा साइटोप्लाज्म, ये अंदर का जो लिक्विड पार्ट है ये है
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सकते हैं एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, बाहर की साइड में होगा वो एक्टोप्लाज्म होगा, अंदर की साइड में होगा वो एंडोप्लाज्म होगा, ठीक है, ये होगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है इसकी, पूरा यूग्लिनॉइड्स जो है उसको हम इस यूग्लिना को स्टडी करके ही स्टडी करते हैं, ठीक है। इस पूरी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट है सारे, ठीक है। और फ्लैजिला जो है इस यूग्लिनॉइड्स के अंदर, यूग्लिना के अंदर, वो टेंसिल टाइप होता है, टेंसिल टाइप। फ्लैजिला कैसा है? टेंसिल टाइप, टेंसिल टाइप। और टेंसिल टाइप मतलब बियर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। जहाँ जिस फ्लैजिला पे इस तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसको हम टेंसिल टाइप बोलेंगे, जिस पे नहीं हो वो स्मूथ फ्लैजिला होगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना विरिडिस, ये इसका नाम है, यूग्लिना विरिडिस ये नाम है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें वो सारे स्ट्रक्चर जो भी हमने लिखे हैं वो सब आ चुके हैं। आई स्पॉट जो यहाँ पर होगा, इसके अंदर पिगमेंट होगा ऑरेंज रेड कलर का, जिसको हम एस्टाजेंथिन बोलते हैं, और वो लाइट को सेंस करने का काम करेगा, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको देखनी है कि ये जो पेलिकल है, ठीक है, इसमें एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगी, ऐसे इसमें उन स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे हम क्या बोलते हैं, मायोनेम्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे उसमें, स्ट्रिप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम मायोनेम्स बोलेंगे, ऐसे ये क्या है, मायोनेम्स, पैरेलल ऑब्लिक और पैरेलल ऐसे स्ट्रिप मिलेंगी जिनको हम मायोनेम्स बोलते हैं, मायोनेम्स होंगे। ये जो स्ट्रिप है ये क्या है, मायोनेम्स है, जो इस पेलिकल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी हमने देखा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां पर प्रेजेंट है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो इंटीरियर पार्ट है उसमें रिजर्वायर के नज़दीक ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल जस्ट बिलो द रिजर्वायर, जस्ट बिलो द रिजर्वायर। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो काम है वो है ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन में, जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, वाटर और सॉल्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ और फीचर देखते हैं। न्यूक्लियस जो है इसका वो कैसा है, सिंगल एक लार्ज न्यूक्लियस है इसके पास में, जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और
और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो देखना है, न्यूट्रिशन देखना है, इसका रिप्रोडक्शन देखना है कैसा होता है इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा है, सिंगल है, सिंगल एंड लार्ज, ठीक है। और नियर द सेंटर, सेल का जो सेंटर है उसके नज़दीक में प्रेजेंट है, नियर द सेंटर ऑफ सेल, सेंटर में तो नहीं है लेकिन सेंटर के नज़दीक है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, यूग्लिना में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अब तक तो हमने इसकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो देखा, अब हम देखते हैं इसकी, इसका न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना में जो न्यूट्रिशन है बेटा वो कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये पहले भी हमने बताया था जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, यूग्लिना कैसा न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन जो ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करे, जिसमें न्यूट्रिशन के दो मोड हों, एक फोटोसिंथेटिक और एक हो सेप्रोफिटिक, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स शोइंग या हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो उसको हम मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो मोड कौन कौन से हैं, एक मोड है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक जो मोड है वो है सेप्रोफिटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा जो मोड है वो है सेप्रोफिटिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हेल्प से वो अपना फूड बनाएगा, और ये काम कब होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा। जब लाइट प्रेजेंट होगी तो यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हेल्प से अपने लिए फूड सिंथेसाइज करता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक परजेंस फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कब होगा, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो सेप्रोफिटिक है वो कब होगा, अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होगी तो वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको शो करेगा, ठीक है। होलोजॉइक न्यूट्रिशन जनरली इसमें अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ फॉर्म जो है वो होलोजॉइक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं बेटा, इसमें होलोजॉइक न्यूट्रिशन जनरली अब्सेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ जो है वो शो करते हैं, बट सम फॉर्म मतलब कुछ यूग्लिनॉइड्स हैं वो ऐसा भी शो करते हैं, बट सम फॉर्म शो होलोजॉइक न्यूट्रिशन। और उसमें एग्जांपल है जैसे पैरानेमा, ये एक यूग्लिनॉइड्स में एग्जांपल है, यूग्लिनॉइड्स है ये एक, जो कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन शो करता है पैरानेमा, ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर ये शो करता है तो उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होंगे, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे इसके पास में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं उसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सॉरी क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और एक होता है बीटा
कैरोटीन, एक होता है इसमें बीटा कैरोटीन, ठीक है। मेन जो पिगमेंट है वो तो ये है, मेन पिगमेंट है ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये सब जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन फोटो सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व फूड की बात करते हैं बेटा, कि यूग्लेनॉड्स में रिजर्व फूड क्या है, और अभी जो हमने डायग्राम पढ़ा था जब उसमें नाम आया था, इसमें रिजर्व फूड क्या है, रिजर्व फूड जो है इसके अंदर वो है पैरामाइलोन, ठीक है। और पैरामाइलोन जो है वो क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम बॉडी, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स या पैरामाइलम बॉडी, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स, ठीक है। रिजर्व फूड हो गया। इसके बाद जो दूसरा फीचर देखते हैं हम वो है रिप्रोडक्शन, कि यूग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है। तो पहले तो देखते हैं हम एसेक्सुअल, कि एसेक्सुअल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मोड है इसके पास रिप्रोडक्शन का। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन शो करता है, और यही इसका मेन रिप्रोडक्शन का मोड भी है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन ही क्या है, मेन मोड है इसका, मेन मोड है इसके रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और ये सब होता है फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। ये सब कब शो करता है, वो अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर जब कंडीशन अनफेवरेबल हो तो ये सिस्ट की फॉर्मेशन भी कर लेता है, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म सिस्ट। और ये सिस्ट क्या है, जिसमें जो यूग्लिना है वो अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेज की कवरिंग बना लेता है, और वो कवरिंग की हेल्प से, उस सिस्ट की हेल्प से ये काफ़ी लंबे टाइम तक उस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, वाटर का पीएच बढ़ गया है या घट गया है, ठीक है, उन कंडीशंस को भी ये उस सिस्ट की हेल्प से पास ओवर कर देता है, ठीक है। उस अनफेवरेबल कंडीशन को ये उसमें भी सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर अभी तक नॉन नहीं है, ठीक है, या कम्प्लीटली अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है कि इसमें होता है या नहीं होता है, मतलब अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन नहीं है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन टू अकर इन यूग्लेनॉइड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पता नहीं है, नॉन नहीं है कि रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा लोकोमोशन की अगर हम बात करें इसमें, लोकोमोशन कैसे होगा बेटा, इसमें
लोकोमोशन होगा बाई फ्लैजिला, ठीक है। एक लोकोमोशन का मोड तो है इसमें फ्लैजिला से, और लेकिन कुछ यूग्रिना जो हैं वो क्रिपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं, ऑल्सो शो क्रिपिंग मूवमेंट, या जो हमने अभी स्टार्टिंग में लोकोमोशन के जो मोड पढ़े थे उसमें रिगलिंग टाइप आया था, एक रिगलिंग वो मोड भी ये शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स के अंदर और कौन कौन से फीचर होते हैं? लगभग सारे जो मेन फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। बाकी सारे फीचर हमने इसके पढ़ लिए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, हैबिटेट कैसा है इसका, हैबिट कैसी है, हैबिट में न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये, रिजर्व फूड क्या है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फ्यूजन कैसे शो करता है। बाइनरी फ्यूजन में बेटा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जो है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इसकी बॉडी जो है वो डिवाइड करती है। मान लीजिए ऐसे जो हमारे पास में ये पैरामीशियम होगा, ठीक है, ये इसका फ्लैजिला होगा ऐसे, तो ये जब डिवाइड करता है तो ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करेगा, इस एक्सिस से ये डिवाइड करेगा, ये इस एक्सिस से डिवाइड करेगा, ये एक्सिस होगा इसका डिवाइड करने का, ये इसका फ्लैजिला होगा, ये इसका फ्लैजिला होगा, और ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा, इस एंगल से ये डिवाइड करता जाएगा, और लास्ट में हमारे पास इस तरह से दो जो यूग्लिना हैं वो नए बन जाएंगे। ऐसे दो यूग्लिना बन जाएंगे, ठीक है, डॉटर यूग्लिना, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ये पेरेंट यूग्लिना है, ठीक है, और ये इस तरह से डिवाइड करके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करेगा और दो नए यूग्लिना इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। पहले ये न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, इसकी एक दो कॉपी बनेंगे और फिर ये दोनों कॉपी एक साइड शिफ्ट होंगे और बीच में से जो है ये डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई बाइनरी फ्यूजन की, और सिस्ट कैसे बनते हैं बेटा, जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये जो यूग्लिना है ऐसे, ये जो यूग्लिना होगा ऐसे, ठीक है, ये चारों तरफ अपने, अब कुछ नहीं है इसमें, पेलिकल ही है, लेकिन ये चारों तरफ अपने क्या बना लेगा, ये फ्लैजिला को अंदर ले लेगा और अपने चारों तरफ जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तो ये क्या बना लेगा, म्यूसिलेजिनस कवरिंग बना लेगा, और इसी को हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग में जब ये यूग्लिना आ गया है तो इसी को हम बोलते हैं सिस्ट इसके, ठीक है, और ये सिस्ट के अंदर ही अंदर डिवाइड करता है और अपनी कई सारी कॉपी जो है वो बना लेता है, और जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी और यूग्लिना इसके अंदर से, कई सारे यूग्लिना जो है अंदर अंदर डिवाइड करता रहता है, वो सब बाहर निकल जाएंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट वॉल ब्रेक, या ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगी, वॉल ब्रेक एंड यूग्लिना सर्वाइव इन सराउंडिंग, या सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, सराउंडिंग इन इट्स हैबिटेट, और इस सिस्ट की हेल्प से ही
ये एक से दूसरी जगह पर भी पहुंच सकता है, या हम कहें कि यहाँ पर है और सिस्ट की हेल्प से ही ये पानी के साथ फ्लो करके किसी दूसरी जगह पर भी जा सकता है जहाँ ये कंडीशन इसको फेवरेबल मिले और ये वहाँ सर्वाइव करे। ठीक है, ये तो था बेटा कुछ इसमें यूग्लिनॉइड्स के जनरल फीचर। और नेक्स्ट टाइम हम जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं तीनों, उनको कंपेयर करेंगे कि उनमें तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू।